हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको प्लाजो की कटिंग करना सिखाऊंगी। प्लाजो की कटिंग करने के लिए हमने कम से कम 2 मीटर या उससे अधिक का कपड़ा लेना होगा। इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें प्लाजो की लंबाई जितनी भी होगी वो रख लेनी होगी। लंबाई इससे पहले हम 3 इंच का यहाँ पर फोल्ड करने के लिए मार्क कर लेंगे। जो 3 इंच का मार्क इसलिए अंदर को फोल्ड करने के लिए। इसके बाद हमें अपने प्लाजो की लंबाई रखनी होगी जितनी भी होगी। मान लीजिए हमारे पास इसकी लंबाई है 34.5, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ऐसे ही इधर भी थोड़ा सा निशान लगा कर सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद अब हमें जहाँ से जितने प्लाजो की चौड़ाई रखनी होती है वो किस हिसाब से रखते हैं। जितनी भी हमारी हिप का माप होता है, मान लीजिए हमारा हिप का माप है 17, तो इसमें हम 3 प्लस कर लेंगे। हिप के अकॉर्डिंग इसका नाप होता है। हिप में 3 प्लस करके हमारा कितना आ गया 20। 20 को हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ गया 10। इसलिए हम जहाँ पर क्या 10 रख लेंगे। और यहाँ से हम आसन रख लेंगे 12 इंच। ऐसे एल बना ले यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर 2.5 पर निशान लगाना होता है। ऐसे 2.5 इंच पर निशान लगा के हमें ऐसे ये वाली शेप देनी होती है। उसके बाद हमें यहाँ देखना होता है टोटल कितना है। हमारे पास है 12.5, तो इसका हाफ कितना हो गया 6 के ऊपर 2 पॉइंट, 6.25। 6.25 यहाँ पर निशान मार्क किया और यहाँ पर भी ऐसे ही इसके सेंटर बना लिया। ये उसका सेंटर हो गया। अब हम नीचे प्लाजो कैसे रखेंगे। जितना भी हमने रखना होता है हमारा पोंचे के अकॉर्डिंग ही हम थोड़ा देंगे। मान लीजिए हमारे पास है 7 इंच 7.5, तो 4.25 पर हम सेंटर पर रखकर यहाँ पर और 7.5 यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसको और इधर भी ऐसे थोड़ी सी शेप दे देनी है। ये हमारा है प्लाजो का फ्रंट वाला भाग। जो 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए फोल्ड करने के लिए 2 इंच का, तो ये हमारे फ्रंट वाले भाग की कटिंग होगी। इसको पहले कट कर लेते हैं, फिर हम पिछले भाग की कटिंग करेंगे। पिछले भाग की कटिंग करेंगे। पिछले भाग की कटिंग करने के लिए हमें फिर से ऊपर वाले जो हमारे प्लाजो का फ्रंट वाला भाग होता है, जो हमने अभी कट किया, उसे ऊपर रख लेंगे।
इधर से ठीक हमने वैसे ही कटिंग करनी है जो इतना सा जो हमने शेप दिया था, लेकिन यहाँ से भी पिछले भाग पे 2 इंच, लेकिन हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है ऐसे, जहाँ से 2.5 इंच, जहाँ से भी 2.5 इंच का निशान लगा लेना, ऐसे जोड़ देना। धीरे धीरे जहाँ से हमें 1.5 इंच फिर 1 इंच कम करते जाना है। जी हमारे पिछले भाग की कटिंग होगी। देखिए गाइस हमारे प्लाजो की कटिंग हो गई है। ऐसे दोनों को पकड़ कर हमने यहाँ पर कट का निशान लगा लेना है जो हमारा अंदर की ओर फोल्ड होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी और भी बहुत सी वीडियो की जानकारी के लिए मेरी YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।